नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कसी कमर। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में डंका बजाने की तैयारी। प्रशासन शहरों के संग अभियान की धीमी गति पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई नाराजगी। दिवाली के बाद सभी कलेक्टर्स की लेंगे बैठक। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। डोटासरा ने की निंदा तो पायलट ने कहा माफी मांगे भाजपा नेता। प्रदेश में बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग। प्रियंका गांधी अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में डट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में नवरात्रों के दौरान बड़ी रैली कर अपना इरादा साफ कर चुकी प्रियंका गांधी अब 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किले गोरखपुर में डंका बजाने की तैयारी कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के दिन गोरखपुर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होने की उम्मीद है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर जाम होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब इस फटकार के बाद किसानों ने बीच रास्ते से अपना तंबू उखाड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका था, रास्ता पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका था। हम लोग अब दिल्ली कूच कर रहे हैं, इसलिए पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान उठने शुरू हो गए हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई। प्रशासन शहरों के संग अभियान की धीमी गति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। सीएम गहलोत ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर बैठे कर्मचारी को कामकाज की जानकारी के अभाव में काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। इसको लेकर सीएम दिवाली के बाद सभी कलेक्टर्स की जयपुर में बैठक लेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की गई। ये सही है कि अपेक्षा के माफिक अभियान गति नहीं पकड़ पाया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होने के साथ ही 10 से ज्यादा राजकीय अवकाश आ गए थे। देश ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने देशवासियों को बधाई देते हुए इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इसी के साथ राज्यपाल ने टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान से जुड़कर कोविड मुक्त भारत के संकल्प में हम सभी को प्रतिबद्ध होना है। कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने पर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के इस आंकड़े को छूने में पूरा हिंदुस्तान शामिल है। हमने बहुत ही कम दिनों में ये लक्ष्य हासिल किया है। प्रेस वार्ता में राठौड़ ने प्रेजेंटेशन के जरिए सफलता की कहानी बताई। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी के विजन की भी सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के अमर्यादित बोल के बाद से ही वे कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अपनी मर्यादा भूल चुकी है। केंद्रीय मंत्री की अभद्र टिप्पणी की हम निंदा करते हैं, सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। इसी के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा नेता से अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को उपचुनाव में हारने का डर है, इसलिए इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के बेरोजगारों का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर बेरोजगार महापड़ाव डालकर बैठे हैं। इस बीच बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल ने आज सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका से मुलाकात की। इसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि आज सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका से मिलकर बेरोजगारों की समस्याओं पर चर्चा की। इस बैठक में पंचायती राज भर्ती 2012, एलडीसी भर्ती, रीट शिक्षक भर्ती 2018, फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला सहायक भर्ती, स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 सहित कई अन्य मुद्दों पर वार्ता हुई। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्रों ने राजस्थान में हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि अपराध के सबसे ज्यादा आंकड़े राजस्थान में दर्ज किए जा रहे हैं।
जैसलमेर में मोहनगढ़ पंचायत समिति में प्रशासन गाँव के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में उपनिवेशन विभागीय अतिरिक्त आयुक्त ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त बिस्सा ने शिविर में ग्रामीणों को चक आबादी में आवासीय पट्टे, ग्राम पंचायत की ओर से आवासीय पट्टे, खातेदारी अधिकार, पेंशन की स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के काउंटरों पर ग्रामीणों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और शिविरों को अधिकाधिक ग्रामीणों के लिए लाभकारी बनाते हुए राज्य सरकार की मंशा को साकार करने का आह्वान किया। लवली एनकाउंटर में जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस कर्मियों को निलंबित किए जाने का विरोध जारी है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला शाखा जैसलमेर की ओर से राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संस्थान के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह पाऊ, सचिव पुरुषोत्तम पुरोहित, उपाध्यक्ष शिवलाल गर्ग ने निलंबित अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने की मांग की। साथ ही कहा कि प्रकरण की निष्पक्ष जाँच भी की जाए। इस मौके पर संस्थान के मनोहर लाल बासु, मौसम अली, हसीना प्रागाराम, टीकूराम, खाखूराम, चंपालाल, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम गौड़, शेराराम, बजरंगराम, हेम सिंह चंपालाल मौजूद रहे। टोंक जिले के पीपलू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीपलू पंचायत समिति प्रधान रत्नी सत्यनारायण चंदेल रही, वहीं विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निवर्तमान अध्यक्ष रामगोपाल मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कविता रामविलास सैनी ने की। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर मुख्य अतिथि ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आगाज की घोषणा की। प्रतियोगिता संयोजक प्रधानाचार्य ललिता बड़ीवाल के नेतृत्व में विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। आहोर उपखंड क्षेत्र में सत्यम डेंटल हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। अस्पताल का उद्घाटन वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, सुमेरपुर विधायक जोराराम, आहोर सरपंच एवं अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि क्षेत्र में दंत रोग विशेषज्ञ नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब अस्पताल खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली और दंत रोग संबंधित सभी रोगों का यहां इलाज हो सकेगा। वहीं डॉक्टर उत्तम राजपुरोहित ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं ब्रह्मदाम आसोतरा के गादीपति तुलसराम जी महाराज के परम शिष्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज को दिया। टोंक जिले के पीपलू के श्री चार भुजा जी मंदिर में भागवत ज्ञान समारोह का आयोजन हो रहा है। इसमें राम जन्म, कृष्ण जन्म, नंद उत्सव के हुए आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु आए। भागवताचार्य पंडित कैलाश तेहरिया ने बताया कि कथा में आंख और कान सभी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। नर्क से बचने का एकमात्र सरल तरीका है भगवत भजन। जो जीव भगवत भजन करेगा, जो भगवान के नाम में विश्वास रखता है, वो आसानी से सांसारिक व्यवस्थाओं से छुटकारा पाते हैं। इस मौके पर कथा संयोजक बालकिशन पाराशर, रामकिशन पाराशर, विष्णु पाराशर, अमित अतुल, राम अवतार, हेमराज, पंडित महावीर समेत कथा में श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।